नमस्कार, मैं कविता निर्वाण आज काफ़ी दिनों के बाद आप लोगों का स्वागत करती हूँ मेरे चैनल @inspire721 में। काफ़ी टाइम का गैप रहा वीडियो अपलोड करने में, वो आप भी जानते होंगे कि किस लिए। जो बच्चे सीरियसली एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं, वो कोई भी या तो UPSC है या फिर उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन है, या फिर जो रिसेंटली RO AR O का एग्ज़ाम हुआ था, वो आपको भी पता रहा होगा कि किस तरह का माहौल रहा एग्ज़ाम का। पहले RO का एग्ज़ाम हुआ, वो उसके बाद कैंसिल हो गया, उसके बाद फिर UPPCS की तैयारी में लगे, वो भी एग्ज़ाम डिले हो गया। तो क्योंकि मैं खुद एक एस्पिरेंट हूँ, खुद एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर कर रही हूँ, तो उसके लिए सीरियसली टाइम डिवोट करना होता है। इसलिए मेरा ये जो लेक्चर अपलोड करने में गैप रहा, आज फिर दोबारा क्यों अपने आप को उसी लाइन में खड़ा करके, अपने आप को संभाल के, क्योंकि आपको भी पता है कि ये जो टाइम पीरियड होता है, एग्ज़ाम होना, एग्ज़ाम देना, उसके बाद एग्ज़ाम डिले हो जाना, अपने आप को फिर से उस तरीके से एग्ज़ाम की तैयारी के लिए लाना, अपने आप में ही एक संघर्ष जैसा हो जाता है। तो उस बीच में टाइम निकाल के वीडियो बनाना, अपने आप को और प्रोत्साहन करके कुछ आगे करने का, इसके लिए टाइम लगता है और हिम्मत भी चाहिए, आप मानिएगा। मैं फिर से आपका स्वागत करती हूँ अपने चैनल @inspire721 में, और कोशिश करूँगी कि आज के बाद थोड़ा सा जो भी कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक हैं उन पे वीडियोस अपलोड करने के लिए मैं कोशिश करूँगी। आज मेरा जो टॉपिक ऑफ डिस्कशन है वो है भारत रत्न अवार्ड 2024, जो कि अभी रिसेंटली, ये कह लीजिए पॉस्थ्यूमसली, जो रिसेंटली अभी अवार्डेड किए गए हैं। पॉस्थ्यूमसली कितने लोगों को अवार्डेड किए गए हैं, ये 4 जो पीपल हैं उनको ये भारत रत्न अवार्ड दिया गया है, या जो अवार्डीज हैं वो 4 लोग हैं। पॉस्थ्यूमसली का मतलब ये है कि वो लोग अब इस दुनिया में नहीं हैं। द अवार्ड्स आर अवार्डेड टू द अवार्डीज विच आर नॉट अलाइव नाउ। तो ये जो भारत रत्न अवार्ड है, अगर मैं इसके बारे में आपको ओवरव्यू करूं, तो ये जो अवार्ड है ये एस्टेब्लिश होता है, या ये कह लीजिए कि इसका जो गठन होता है वो होता है 2 जनवरी 1954 में इसका गठन होता है, इस अवार्ड का। उस टाइम में ये सी राजगोपालाचार्य, राधा कृष्ण कुछ पल्लवी कुछ ऐसे करके है, वो आपको जानने की ज़रूरत नहीं है, सीवी रमन, एस राधा कृष्ण सर्वपल्ली और सीवी राव, इन लोगों को मिला था ये 1954 में पहली बार। वो तो पहली बार मिला था, हमें जानना है अभी प्रेजेंट ईयर का 2024 में किस किस को मिला, हमें तो सिर्फ इतना जानना है और थोड़ा सा इसके बारे में ओवरव्यू लेना है। तो ये जो अवार्ड है भारत रत्न अवार्ड, ये 2 जनवरी 1954 को कॉन्स्टिट्यूटेड होता है, या फिर इसका गठन होता है। ये अवार्ड जो है हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है हमारी कंट्री का, इससे ऊपर हमारी कंट्री में कोई अवार्ड होता नहीं है, ये हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है। और अगर इसको पद्म अवार्ड के कंपैरिजन में देखा जाए तो ये उससे बिल्कुल अलग है। ये जो अवार्ड है पहले तो दिया जाता था कि इन स्पेसिफिक आर्ट लिटरेचर ऐसे फील्ड में दिया जाता था, पर अब इसका दायरा एक ऐसी कैपेबिलिटी के लिए बढ़ा दिया गया है, या फिर ये कह लीजिए इसका जो दायरा है वो इस तरीके से है कि टू एनी कैपेबिलिटी ऑफ द ह्यूमन एंडेवर, मतलब कोई भी एक्सेप्शनल सर्विस है किसी भी इंसान ने किसी भी फील्ड में करी है, तो उसको भारत रत्न का अवार्ड दिया जाएगा। हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है और उन्हीं लोगों को दिया जाता है जो कि मतलब कुछ एक्सेप्शनल सर्विस देते हैं, बहुत हाईएस्ट एक्सेप्शनल सर्विसेज वो प्रोवाइड करते हैं। इट इज़ अवार्डेड इन रिकॉग्निशन ऑफ एक्सेप्शनल सर्विस और परफॉर्मेंस ऑफ द हाईएस्ट ऑर्डर इन एनी फील्ड ऑफ ह्यूमन एंडेवर, जिस भी फील्ड में आपने प्रयास करके एक बहुत ही अच्छा काम किया है तो आपको क्या मिलेगा, भारत रत्न अवार्ड मिलेगा। अभी आगे इसके बारे में बताऊंगी मैं। ये जो अवार्ड है इसको डिफरेंट फुट पे रखा गया है पद्म अवार्ड पे। जो पद्म अवार्ड होते हैं जैसे पद्मश्री, पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्मश्री, तो ये अवार्ड हो गए पद्म, जो पद्मा अवार्ड हैं ये वो वाले अवार्ड हो गए, उससे ये बिल्कुल अलग है। जो पद्म अवार्डीज हैं उसमें जो पहला है वो होता है पद्म विभूषण,
दूसरा होता है पद्म भूषण और तीसरा होता है पद्मश्री, ये तीन अवार्ड होते हैं। जो रिकमेंडेशन होता है भारत रत्न अवार्ड का, वो रिकमेंडेशन कौन करता है? प्राइम मिनिस्टर ऑफ द कंट्री टू द प्रेसिडेंट ऑफ द कंट्री। अभी प्राइम मिनिस्टर कौन है? नरेंद्र मोदी जी। और प्रेसिडेंट कौन है इंडिया की? द्रौपदी मुर्मू जी। ठीक है, ये अब देखिए, जो भारत रत्न अवार्ड है वो दिया जाता है, एक साल में मैक्सिमम 3 लोगों को दिया जाता है, पर टू अ मैक्सिमम 3 पीपल इन अ पर्टिकुलर ईयर। बट 1999 में पहली बार ये रूल ब्रेक किया गया कि ये 3 लोगों के अलावा कितने लोगों को दिया गया इन अ पर्टिकुलर ईयर? 4 लोगों को ये दिया गया। फिर अगेन ये रूल ब्रेक होता है 2024 में, कितने लोगों को दिया गया है? 5 लोगों को दिया गया है भारत रत्न अवार्ड। इसका गठन कब हुआ ये हमने देख लिया। अब ये देखिए कि भारत रत्न अवार्ड जो है 2024 में किस किस को मिला है, ये नाम जानने ज़रूरी है। आगे कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम, जो भी नियर बाय एग्जाम है, उसमें ये पूछ लिया जाएगा कि 2024 के भारत रत्न अवार्डीज कौन हैं और वो भारत रत्न अवार्डीज कौन से फील्ड से रिलेटेड हैं, ये पता होना चाहिए। तो जो फोर जो हैं जिनको अवार्ड मिला है वो पॉस्थ्यूमसली हैं, और लाल कृष्ण आडवाणी जी पॉस्थ्यूमसली अभी नहीं है, ठीक है, वो दे आर स्टिल अलाइव। तो कर्पूरी ठाकुर जो थे वो बिहार के चीफ मिनिस्टर थे, इज द 11th आई थिंक चीफ मिनिस्टर ऑफ द बिहार। तो इन्होंने टायरलेसली वर्क किया था जो कि डिसएडवांटेज सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी हैं उनके अपलिफ्टमेंट के लिए, तो इसकी वजह से इनको जननायक का औहदा भी दिया गया। तो कर्पूरी ठाकुर फर्स्ट, सेकंड है लाल कृष्ण आडवाणी जी, कौन नहीं जानता, पॉलिटिक्स बीजेपी, उनको मिला है। चौधरी चरण सिंह जो हैं वो फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया भी रहे और फॉर्मर चीफ मिनिस्टर ऑफ उत्तर प्रदेश भी रहे। इनका जो कंट्रीब्यूशन है वो एग्रीकल्चर में है, लैंड रिफॉर्म्स में है, और एवोल्यूशन ऑफ द जमींदारी सिस्टम में भी, और फ्रीडम फाइटर में भी इनका कंट्रीब्यूशन है। चौधरी चरण सिंह उत्तर प्रदेश यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन का एग्जाम अपीयर करने वाले जो स्टूडेंट हैं उनको पता होना चाहिए कि यूपी में इस बार किसको मिला है भारत रत्न, चौधरी चरण सिंह। पीवी नरसिम्हा राव, पीवी नरसिम्हा राव इज द फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया ड्यूरिंग द टाइम पीरियड 1991 टू 1996। इनको किस लिए दिया गया है? इनका एक्सेप्शनल कॉन्ट्रीब्यूशन टू द इकोनॉमिक रिफॉर्म्स कब परफॉर्म किए गए थे? 1991 में, उसके लिए मिला है। एम एस स्वामीनाथन इंडियन एग्रीकल्चर साइंटिस्ट, और ये कह लीजिए कि इनका बहुत ही ज़्यादा कंट्रीब्यूशन ये रहा कि इंडिया को सेल्फ सफिशियंट बनाने में इन द फील्ड ऑफ प्रोडक्शन ऑफ फूड ग्रेन्स। इसके ऊपर पूरा एक वीडियो है मैंने बनाया है, आप प्रीवियस लिस्ट में जाके देख सकते हैं। एम एस स्वामीनाथन, इनका कंट्रीब्यूशन रहा मेकिंग इंडिया सेल्फ सफिशिएंट इन फूड प्रोडक्शन, इज अ फॉर्मर इंडियन एग्रीकल्चर साइंटिस्ट। तो ये अवार्डीज हैं इस बार के भारत रत्न 2024। तो मोटा मोटा आपको इसमें ये जानना है कि जो भारत रत्न अवार्ड है वो हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है, ये पहली बार कॉन्स्टिट्यूटेड कब हुआ? 2 जनवरी 1954 में। मैक्सिमम 3 लोगों को दिया जा सकता है इन अ पार्टिकुलर ईयर, और इससे ज़्यादा नहीं दिया जा सकता है, बट रूल ब्रेक हुआ है। कब हुआ है? 1999 में और 2024 में। ये डिफरेंट फुटिंग पे है, पद्म अवार्ड की डिफरेंट फुटिंग पे है, सेम नहीं है। रिकमेंडेशन कौन किसको करता है? प्राइम मिनिस्टर ऑफ द कंट्री टू द प्रेसिडेंट ऑफ द कंट्री को ये रिकमेंडेशन जाता है। 2024 के भारत रत्न अवार्डीज कौन कौन है, किनको मिला है, वो नाम आपको याद होने चाहिए। बहुत दिनों के बाद आज लेक्चर रिकॉर्ड किया है, थोड़ा त्रुटि हो सकती है, पर मैंने पूरी कोशिश करी है बहुत ही सही तरीके से चीज़ों को रिप्रेजेंट करने की। मैं आशा करती हूँ भारत रत्न अवार्ड के बारे में ये जो छोटा सा लेक्चर है आपको समझ आया होगा। आपकी कोई भी जो चीज़ आपको नहीं समझ आई हो, अगर आपकी कोई भी क्वेरी हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं।